पॉजिटिव थॉट्स रखो, पॉजिटिव थॉट्स रखो, पॉजिटिव थॉट्स रखो। अरे लेकिन कैसे, एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, क्या सबको मॉनिटर करना आसान है? कर सकते हैं? इट्स इम्पॉसिबल। अगर आपके मन में भी ये सेम क्वेश्चन है तो इसका जवाब है यूनिवर्स के पास। जी हाँ, यूनिवर्स ने एक बहुत ही अच्छा फीडबैक सिस्टम बनाया है हमारे लिए। जब भी हम कोई थॉट सोचते हैं तो उससे रिलेटेड एक फीलिंग क्रिएट होती है हमारे अंदर। जैसे कि अगर हम पॉजिटिव थॉट सोचेंगे तो हमारे अंदर एक गुड फीलिंग क्रिएट होगी, और अगर हमारा थॉट नेगेटिव हुआ तो हमारे अंदर एक बैड फीलिंग क्रिएट होगी। तो ये दो तरीके की फीलिंग होती है, गुड फीलिंग और बैड फीलिंग, और ये दोनों हमारे थॉट्स पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें अपने आप से पूछते रहना है कि हाउ एम आई फीलिंग, हाउ एम आई फीलिंग नाउ। बार बार ये क्वेश्चन पूरे दिन में आपको अपने आप से पूछना है। लेकिन अब एक और समस्या है, बार बार हमें अपने आप से ये पूछना है ये क्वेश्चन, वो तो समझ आया, लेकिन ये भी कैसे याद रहे कि हमें ये क्वेश्चन करना है खुद से कि हाउ एम आई फीलिंग नाउ। तो इसका भी सलूशन है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सब पूरे दिन अपना फ़ोन अपने साथ रखते हैं, तो आप एक पेपर पे लिख ऐसे लिख सकते हैं हाउ एम आई फीलिंग नाउ, बोल्ड कैपिटल बड़े बड़े अक्षरों में, और उसकी पिक्चर को अपने फ़ोन का वॉल एज अ वॉल पेपर या लॉक स्क्रीन उसको सेव कर सकते हैं फ़ोन में। तो इससे क्या होगा, हम जितनी बार भी अपना फ़ोन उठाएंगे और उसको चेक करेंगे तो सबसे पहले हमें दिखाई देगा वो क्वेश्चन फ़ोन की स्क्रीन पे। और जब वो क्वेश्चन दिखाई देगा तो हमें याद रहेगा कि यस, ये क्वेश्चन हमें पूछना है अपने आप से, हाउ एम आई फीलिंग नाउ। सो इफ यू आर फीलिंग गुड देन फैंटास्टिक, कीप फीलिंग लाइक दैट। बट इफ यू आर फीलिंग बैड देन इट्स अ सिग्नल, यू नीड टू चेंज योर फ्रिक्वेंसी, चेंज योर थिंकिंग। आप बैड फील कर रहे हो बिकॉज आपके माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट चल रहा है। तो आप गुड फीलिंग लाने के लिए क्या करेंगे, हमें उस नेगेटिव थॉट को चेंज करना है पॉजिटिव थॉट में। तो ये भी सिंपल सॉल्व हो गया। बट अभी एक और प्रॉब्लम है यार, कैसे, मतलब एक नेगेटिव सिचुएशन जब हमारे सामने आती है तो कैसे हम अपने आप को एक पॉजिटिव थॉट्स वाली सिचुएशन में लेके आएंगे, हम कैसे पॉजिटिव थॉट्स रख सकते हैं अपने। बात तो सही है ना, जब हम हमारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन, कोई बैड सिचुएशन आ जाती है जिसमें हम दुखी हो जाते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो हम उसी सेम फ्रिक्वेंसी को यूनिवर्स में सेंड कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि हमारे आसपास और नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट होती जा रही हैं, जिससे हम और दुखी होते जा रहे हैं, और दुखी होते जा रहे हैं। अब इस दुख के सागर में जब हम गोते लगा रहे हैं तो कहाँ से पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, मुश्किल है ना, याद ही नहीं रहेगा कि हमें कुछ पॉजिटिव सोचना भी है। ये तो प्रॉब्लम है, बट इसका भी सलूशन है, और इसका सलूशन है सीक्रेट शिफ्टर। आप सोचा कि ये क्या होता है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपका आज ऑफिस में बहुत ही बुरा दिन गया, बहुत ही बुरा दिन, मतलब आज पूरी लाइफ का सबसे बुरा दिन आपका ऑफिस में बीता है। आप ऐसे मुंह सड़ा के एकदम शाम को घर पहुंचते हो, और जब आप घर पहुंचे तो आपके सामने एक आपका छोटा सा क्यूट सा बच्चा आया और आपको स्माइल दे रहा है, तो आप क्या करोगे, उस पर गुस्सा करोगे, उस पर चिल्लाओगे क्योंकि आपका दिन बुरा था? नहीं, आप उसको भी स्माइल दोगे, उसके साथ खेलोगे,
और अपने सारे दुख, दिन का जो आपकी वो बुरा दिन गया था, वो सब कुछ आप भूल जाओगे, आप एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। तो देखा आपकी बैड फीलिंग कैसे गुड फीलिंग में चेंज हो गई। इसी को ही कहते हैं सीक्रेट शिफ्टर, आपको पता भी नहीं चलता और आपकी नेगेटिव फीलिंग पॉजिटिव फीलिंग में चेंज हो जाती है। तो अब आपको करना क्या है कि अपने कुछ ऐसे सीक्रेट शिफ्टर की लिस्ट बनानी है। अब ये सीक्रेट शिफ्टर आप कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके बच्चे की स्माइलिंग फोटोग्राफ, आपकी फैमिली फ़ोटोग्राफ जिसमें आप सब खूब इंजॉय कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ आप कहीं घूमने गए हैं वहाँ की पिक्चर्स को आप सेव कर सकते हैं, और कुछ भी चीज़ मतलब जिसके बारे में सोच के ही आपके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। ऐसी चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है और कम से कम 10 चीज़ें ऐसी आपको सोचनी है और लिखनी है। और उसको क्या करना है, इनको आप अपने फ़ोन में, क्योंकि फ़ोन हैंडी होता है, हम सब कैरी करते हैं इजीली, ऑफिस में हो आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो फ़ोन हम सब रखते हैं अपने पास, तो इसके लिए इसका एक फोल्डर बना लेंगे, सीक्रेट शिफ्टर नाम का एक फ़ोन में अपने फोल्डर बना लो आप और उसमें वो लिस्ट को सेव कर लो। और जब भी आपको लगे कि हाँ आप थोड़ा बैड फील कर रहे हो तो आप क्या करोगे, अपना एक सीक्रेट शिफ्टर की लिस्ट खोलोगे और उसको फॉलो करोगे। इससे क्या होगा, आपकी बैड फीलिंग गुड फीलिंग में चेंज हो जाएगी और आपका दिन हैप्पी हो जाएगा। और जब आपका दिन हैप्पी हो जाएगा तो आपकी पूरी लाइफ हैप्पी हो जाएगी। और जब पूरी लाइफ हैप्पी हो जाएगी तो बस यही तो चाहिए, हैप्पीनेस इज द की। तो अब इसको हम थोड़ा समराइज करते हैं। हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं बट हम अपने थॉट्स को मॉनिटर नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें अपनी फीलिंग्स के लिए अवेयर रहना है और पूरे दिन में अपने आप से ये क्वेश्चन करते रहना है कि हाउ एम आई फीलिंग नाउ। और इसका रिमाइंडर के लिए हमें अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे या लॉक स्क्रीन पे ये लिख के इसका पिक्चर सेव करना है, इस क्वेश्चन का, हाउ एम आई फीलिंग नाउ। और जब भी हम फ़ोन देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आएगा और हमें तभी ये अपने आप से क्वेश्चन करना है। हमें एक सीक्रेट शिफ्टर की लिस्ट बनानी है, ऐसी चीज़ों की लिस्ट जिसके बारे में सोच के, सुन के, पढ़ के, देख कर हमारे फेस पे स्माइल आ जाती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसी चीज़ों की कम से कम 10 चीज़ों की ऐसी हमें लिस्ट बनानी है। और जब भी हमें लगे कि हाँ हम बैड फील कर रहे हैं तो हमें उन सीक्रेट शिफ्टर की लिस्ट में जाना है और उसको फॉलो करना है। आई होप ये सब कुछ आप फॉलो करोगे, ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और अब आपकी लाइफ को भी ये आसान बना देगा। थैंक यू।